लीची एक ऐसा फल है जिसका स्वाद सभी को भाता है। लीची के बिना स्वाद लिए इसके सीजन में कोई नहीं रह पाता है। लीची के शौकीनों को इसका जायका बहुत पसंद है। आज हम आपको ऐसी लीची के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के लीची के बारे में। खास बात यह है कि गोरखपुर के लोग इस लीची का स्वाद नहीं चख पाते, क्योंकि हर साल गोरखपुर में होने वाली लीची लंदन दुबई में भेज दी जाती है। विदेशों में गोरखपुर के बागों में होने वाली लीची की जबरदस्त डिमांड होने के साथ ही मुंह मांगी कीमत भी मिलती है। गोरखपुर के फुटकर मार्केट में भी लीची का रेट 70 से 80 रुपए किलो होता है, तो वहीं गोरखपुर के रामनगर के बाग की लीची लोकल बाजार में 500 से 600 रुपए किलो बिकती है, जबकि दुबई और लंदन में पहुंचकर इसी लीची का रेट 1500 से 2000 रुपए किलो हो जाता है। आइए जानते हैं बागवान का क्या कुछ कहना है। आपका फहीम नाम है। अच्छा, ये बाग बगीचा किसका है? मेरा ही है। अच्छा, कितनी लीची के पेड़ है यहाँ? यहाँ पे 7 पेड़ हैं। अच्छा, अगर 7 पेड़ की बात करें तो क्या इस लीची में खासियत है कि ये भारत के वाला विदेशों में जाता है सालों से? ये लीची बहुत मीठा होता है और इसकी बिया बहुत छोटे होते हैं, और ये गोरखपुर में ही केवल होता है। ये दुबई और लंदन और भारत से बाहर बड़े बड़े देशों में जाता है। क्या वजह है कि जैसे भारत में नहीं, भारत के वजह बाहर विदेशों में जाता है? इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसकी संख्या कम है। क्या इस लीची में खासियत क्या है? ये लीची बहुत मीठा होता है और इसका बीज भी बहुत छोटा होता है। तो सुनने में आता है कि आप लोग को ऑर्डर 1 साल पहले ही मिल जाता है कि? ऑर्डर ऑर्डर पहले ही मिल जाता है। हाँ, जो ऑर्डर पहले देता है उसी हिसाब से उसको लीची दिया जाता है। अच्छा, किस तरह इसकी, अभी अभी तो लीची में फल लग रहा है, आप किस तरह इसकी सेवा करते हैं? इसकी सेवा जब फूल आने के बाद है, जब तक ये टूट नहीं जाएगा तब तक परमानेंट पानी चलते रहेगा, पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस लीची में क्या खासियत होती है कि जैसे कुछ इसके बारे में बताइए? ये लीची बहुत मीठा होता है और इसकी बीज